हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम सॉलिड स्टेट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है। चार एटम नीचे एक प्लेन में होंगे और चार एटम ऊपर प्लेन में होंगे और कॉर्नर आपस में टच करेंगे, डायगोनली एटम टच नहीं करेगा। इस चीज को समझने के लिए हम जरा ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ध्यान से, और मैं आपको मॉडल्स की हेल्प से भी समझा दूंगा। गौर से देखो, इसमें 8 एटम्स हैं, आपको दिख रहे हैं, यहां भी 8 एटम्स हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो चमक रहे हैं ना, चार एटम ऊपर हैं, चार एटम नीचे हैं, ठीक, देखते रहिएगा क्या हो रहा है यहां। ये एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। देखो कॉर्नर आपस में टच कर रहे हैं, देखिए कॉर्नर आपस में टच कर रहे हैं, डायगोनली टच नहीं कर रहा है, दिख रहा है आपको, सामने से देख लो, ठीक। वाह क्या बात है। तो ये इस तरीके से यूनिट सेल बन रही है, देखें जरा, दिख रहा है, ठीक। और कॉर्नर का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आता है, तो यही आपको दिखाया गया यहां पर कि 1/8 पार्ट हर एक कॉर्नर का, अगर मैं इन सभी बॉल के सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ये क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी, ठीक। तो इसी चीज को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। चार एटम मेरे पास एक प्लेन में है, चार एटम जो है इसके जस्ट ऊपर है ऐसे, इस तरीके से। तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपकी बन रही है, ठीक है। बीच में जो वॉइड है इसको हम क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए जरा देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, सीधे लगा देना। दैट इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर मैं इन सभी कॉर्नर को जोड़ दूं, इन सभी बॉल के सेंटर को जोड़ दूं, ठीक है, जो बॉल का सेंटर होगा वही यूनिट सेल का कॉर्नर होगा, ठीक है, ये बिल्कुल पक्का है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर मैं इन सभी बॉल के सेंटर को ज्वाइन कर देता हूं, इसका मतलब क्या होगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी और हर एक एटम का 1/8 पार्ट इस रूम में आएगा, इस क्यूब के अंदर आएगा। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 8 बॉल्स हैं, दिख रही हैं आपको, चारों चार 8 होता है, 8 बॉल्स हैं और 1/8 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब कि वो कितना हिस्सा उस क्यूब के अंदर आ रहा है उस बॉल का, तो 1 हो जाएगा जेड इफेक्टिव। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, हर एक एटम 6 एटम को टच करेगा, कैसे, जैसे ये वाला एटम है तो ये इसको टच कर रहा है 1, इसको टच कर रहा है 2 और इधर पीछे वाले को टच कर रहा है 3 और इन 3 के अपोजिट 3 होंगे, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो पाई बाई 6 आता है, यहां पर फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट दिल ध्यान रखना, परसेंटेज में निकालना है, 52.4% होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इस एटम का, ये जो जितने भी एटम है ना इस यूनिट सेल में, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि 3D में है ये, तो वो 52.4% ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खाली होता है, तो खाली को ही तो वॉइड बोला गया है यहां पर। तो जो बीच में से सामने से वॉइड दिख रहा है ना आपको, वो खाली वॉइड है, मतलब खाली जगह उसको वॉइड बोलते हैं। 100 में से माइनस कर दोगे 47.6 आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल यहां बन सकता है, कैसा, आपको इस एटम की रेडियस दे देंगे और एज लेंथ निकलवा लेंगे, या एज लेंथ देकर रेडियस निकलवा लेंगे, इस टाइप के सवाल होते हैं। तो दो एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि ये दो एटम आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, इनके सेंटर को ज्वाइन किया, तो एज बन गई, एज लेंथ ए है, इसका और इसका रेडियस आर आर, तो आर और आर कितना हो जाएगा, 2R = 1, ठीक है, समझ गया बात को। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।